पूरे देश में एक तरफ जहां विमर्श जारी है कि कोरोना काल में आतिशबाजी कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर तो नहीं डाल रही है, ऐसे में कई जगहों पर फटाका विक्रय पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। वहीं सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर में प्रशासन ने फटाका विक्रेताओं को लाइसेंस जारी कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पीजी कॉलेज ग्राउंड में फटाका विक्रेताओं को दुकान लगाने की अनुमति दे दी है। निगम आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष 130 फटाके की दुकानों को पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगाने की अनुमति दी गई है। वहीं लाइसेंसधारी 120 फटाका विक्रेताओं को दुकान आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन सभी फटाका विक्रेताओं को कोरोना के प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रत्येक दुकान के बीच में लगभग 4 फीट गैप छोड़ी जाएगी। इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा भी कम रहेगा और दुर्घटना की संभावनाएं भी कम हो जाएगी। वहीं फटाका विक्रेताओं को दुकान में मास्क और सैनिटाइजर रखने का निर्देश नगर निगम ने दिए हैं। इस दौरान यदि एक भी फटाका विक्रेता निगम द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही निगम करेगा। रोल शासन कैसे दिशा निर्देश मिले हैं फटाका दुकान बेचने लगाने और बेचने के लिए? जी बार शासन प्रशासन और नगर निगम की तरफ से कोविड-19 को देखते हुए हम सभी व्यापारियों को यह निर्देश है कि सभी दुकानों के बीच में निर्देश दिया गया कि 4-4 फीट का गैप दिया जाए जिससे कि कोविड-19 से रोकथाम हो सके, और सभी दुकानों को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है, और हम सभी को व्यापारियों को मास्क भी दिया जाए कस्टमर को जैसे कोविड-19 से हम तो बच सकें। टोटल कितनी दुकानें हैं, कितनी दुकानें आरक्षित हो चुकी है? अब तक लगभग 110 दुकानें आरक्षित हो चुकी हैं और लगभग 20 दुकानें और बनने वाली हैं। पटाखा दुकान जो लगाए जा रहे हैं इस पर किस तरह की सावधानी और बरती जाएगी? पीजी कॉलेज ग्राउंड में नगर निगम अंबिकापुर और पीजी कॉलेज के जो जनभागीदारी समिति है उनके द्वारा जो संयुक्त रूप से समझौता हुआ है उसके तहत इस बार फटाका जो लाइसेंसधारी हैं जितने भी एक प्रकार से अस्थायी लाइसेंसधारी रहते हैं उनके लिए फटाका दुकान हम पीजी कॉलेज ग्राउंड में लगवा रहे हैं, जिसमें लगभग 130 के आसपास फटाके दुकान उसमें लगने हैं। इनको इसी शर्त पर इनको आवंटित किया गया है दुकान की उक्त दुकानों के बीच में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। लगभग 4 फीट के आसपास का गैप हर दुकान के में रहेगा, ये मेन इस प्रावधान रखा गया है ताकि एक तो उससे यह होगा कि कुछ आकस्मिक दुर्घटना यदि हो जाती है तो उससे बचाव किया जा सकता है। दूसरा चीज़ यह है कि अलग अलग दुकानें 5-5 फीट के अंतराल 4-4 फीट के अंतराल में रहेंगी तो फिर लोगों की जो भीड़ आएगी वह कम से कम थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा और सोशल डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस इसमें दिखेगा। उसके अलावा जितने भी फटाका दुकान वालों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंस यदि पालन नहीं होता है, यदि आप ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो निश्चित से दुकानदार के ऊपर कार्रवाई होगी। तो चूँकि बहुत सारी दुकानें हैं 130 दुकानें हैं तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि सामने वाली दुकानों में ज़्यादा भीड़ रहता है, तो इसी स्थिति को देखते हुए हमने सख्त हिदायत दिया हुआ है कि एक दुकान में ज़्यादा भीड़ ना हो सके और फिर सिर्फ खरीदारी के तौर पर नहीं देखना है उनको हमको कोरोना से बचाव के उपाय रखते हुए उनको सेलिंग करना है, ये उनको हिदायत दिया गया है। उसके अलावा उनको सैनिटाइजर को भी दुकान से जस्ट बाहर में रखने के लिए निर्देश दिया गया है, क्योंकि सैनिटाइजर जो है फ्लेमेबल रहता है, अचानक उसमें कभी भी आग लग सकता है, तो वो भी हमने फटाखा से उसको हमने अलग रखने का हमने उसको सुझाव दिया हुआ है। और इसके अलावा बिना मास्क के बिल्कुल भी फटाखा को न दिया जाए, फटाखा किसी को न दिया जाए, ये हमने उनको हिदायत दिया हुआ। तो इस प्रकार से हमने कोरोना के संबंध में निर्देश जारी किए हैं उनको, ताकि एक तो फटाका का लोग अपना सेलिंग भी कर सकें और वो लोग भी खुद भी बचें और दूसरों को भी बचा सकें। सर इस बार ब्यूरो रिपोर्ट।